हेलो फ्रेंड, आशा कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलती हूँ ना देरी करते हुए। ये चने की दाल मैंने ली है और एक कटोरी छोटी वाली, लगभग इसका वज़न होगा 100 ग्राम। तो ये मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था 2 घंटे तक और अच्छी ये दाल फूल चुकी है। तो इसको 2-3 पानी से धो करके अच्छी तरीके से एक मिक्सी जार में रख रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालना है, करीब छोटा चम्मच चाय वाला 2-3 चम्मच पानी डाल करके मुझे पीसना है और बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल बेसन की तरीके से बिल्कुल। तो ये एक दो बार फेर लेना है यूं ही अच्छी तरीके चम्मच से। और इधर तेल हमारा गर्म हो चुका है, रिफाइंड ऑयल में बनाएं या फिर घी में बनाएं, सरसों के तेल में बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये मैं लड्डू बनाने वाली हूँ तो लड्डू इसके बहुत ही बेकार लगेंगे अगर सरसों का तेल यूज करा। घी या रिफाइंड में आप बना सकते हैं, तो ये मैं रिफाइंड में ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से ठंडे करने के बाद इसको तोड़ करके एक मिक्सी जार में पीसना है। तो ये मैं जब तक चीनी रख रही हूँ चाशनी बनने के लिए, ये 1.5 कप चीनी रखी है मैंने। चाशनी हमारी एक तार की बननी है, तो ये तक की चलते ये ठंडे हो चुके हैं। तो इसको पीस लेना है बिल्कुल ही स्मूथ, इससे भी बड़ा महीन पीसना है। और ये मैं फूड कलर कुछ चाशनी में डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा पीस गया है, जो मैंने ये बेसन की पकौड़ियाँ तली थी चने की दाल की, तो ये पीस के रख दिया। और ये देख रही हूँ चाशनी, तो चाशनी भी हमारी एक तार की हो चुकी है। तो गैस को बंद कर देती हूँ और ये मैंने मिक्सर जो पीसा है इसको इसी में मिला देना है चाशनी में, पूरा दबा दबा के चाशनी मिलाना क्योंकि कलर सारा मैच हो जाए। और ये मैंने डाला है इलायची पाउडर और ये मैंने कुछ डाले हैं मगज यानी खरबूजे के बिए। तो इसमें अच्छी तरीके से इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल दिया है, घी से इसमें चमक आएगी और खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुए, ठंडे हो चुके हैं। अब शेप देने के लिए चल रही हूँ। ये लड्डुओं का शेप गोल आकार का बनाया जाएगा, तो बहुत ही फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। देखिए थोड़ी सी दाल में कितने लड्डू तैयार होंगे, तो आपको दिखाती हूँ। ये रही गोलाई, अपने छोटे बड़े अपने साइज के हिसाब से बनाएं, जैसे भी पसंद हो छोटे बड़े, तो सारे बन के तैयार हो गए। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर।